नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज केमिस्ट्री पार्ट 5। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज डैश हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। प्रतिशीतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? N2 को नाइट्राइट में। पौधों में मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? N2O5। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक एसेंथेटिक्स के लिए संस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सर्वन के साथ। एक्वा रिजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एक्वा रिजिया का। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? P4। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? श्वेत फास्फोरस। माचिस की तिलियों में होता है फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? फॉस्फाइन को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपर परमाणु अणु ट्राइटोमिक अणु है? ओजोन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं 3। ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन जीव मंडल को डैश से बचाती है पराबैंगनी किरणों से। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रिमस्टोन। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? लैटिन भाषा में। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाली यौगिक कौन है? सल्फर। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है?
सल्फर। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, H2SO4 के निर्माण में। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों की कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड केवल 2 और 3 उपयुक्त में से अम्लीय वर्षा के कारक हैं। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? फ्लोरीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिक्रमक क्या हैं? क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ब्रोमीन। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला। निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आयोडीन। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, यह दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। अक्रिय गैस डैश होती है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन। हीलियम, नियॉन और रेडॉन अक्रिय गैस है। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? फ्रियॉन। हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन एक इनर्ट गैस है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडॉन। हीलियम, नियॉन और आर्गन नोबेल गैस है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? हीलियम। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
हीलियम का गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनाता है, धनात्मक हीलियम आयन। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम। बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है अर्धचालक। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? क्वार्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनाना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? ईथर का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना एक रासायनिक परिवर्तन है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलना, एक अंडा पकना, केक को बेक करना, केला सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। प्रेशर कुकर, सांस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? गैल्वेनाइजेशन। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ ऑस्पोडीन ने। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।